सिवान नगर परिषद में सभापति के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आज पहुंचे हुए थे बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष श्री औध बिहारी चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जीवन जी भी यहां पर जो समाज सेवी हैं ये भी मौजूद हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, आज मौका रहा और आज आप यहां पे पहुंचे थे उद्घाटन करने कार्यालय? पूर्व से कार्य हो रहे थे सिवान नगर परिषद के, लेकिन अब चुनाव हो गया और नया चेयरमैन वाइस चेयरमैन वार्ड जीते हुए हैं और मुझे भरोसा है कि कार्य पूर्व में भी जो हुए हैं हुए हैं, लेकिन अब नए सिरे से नए कार्य संस्कृति में प्लानिंग करके योजना के तहत एक एक पैसे को सही तरीके से खर्च करने का काम होगा। और पहले कहा जाता था कि मेहनत करने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा और नया जमाना आएगा, और कुछ नहीं कहेंगे। ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। सिवान के सभी वार्ड का विकास होगा। हम इन लोगों के पूरे एज ए स्पीकर ही नहीं, इन लोगों के अभिभावक के रूप में हमेशा मार्गदर्शन देंगे और जितना हमको बन पाएगा पटना से राशि दिलवा करके और इन लोगों के माध्यम से सभी जितने वार्ड है बांट कर नहीं सब लोगों को एक साथ लेकर के हम लोग चलेंगे। भेदभाव नहीं होगा, शांति सद्भावना भाईचारा के साथ अनुशासन में नियम और प्रक्रिया के साथ एक एक पैसे खर्च होंगे, सर्वे कराया जाएगा और पूरे जो है सबसे ज़रूरी है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम को अगर बना दिया जाए साइंटिफिक तरीके से तो कहीं पानी नहीं लगेगा और पैसा खर्च होगा तो रिजल्ट होगा। पैसा खर्च कर दें और रिजल्ट कुछ नहीं हो तो वो तो दर्शाता है कि पैसा कहाँ जा रहा है, पैसे गलत तरीके से नहीं जाएगा। ये निगाहें हमेशा रहेगी। आई नौजवान आदमी आज सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे, इसलिए कि लोगों में काम करने की ललक है कि हम काम करें। सबको हम आशीर्वाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे सिवान के सभी वार्ड के वार्ड कमिश्नर एक साथ रह करके और अपने अपने वार्ड के बढ़िया तरह से विकास करेंगे और चेयरमैन या वाइस चेयरमैन ये तमाम लोग एकजुट होकर के विकास के मामले में एक रहेंगे। यह विकास का जगह है, राजनीति करने वाला यह जगह नहीं है। राजनीति करने का फ्रंट रहेगा, वहाँ हम लोग राजनीति करते रहेंगे, लेकिन यहाँ विकास की बातें होगी। अब मैं विकास के बात कह रहा हूँ कि ईमानदारी से रहने की ज़रूरत है। जो ईमानदार होता है उसकी चर्चा होती है और समाज भी उसको आदर और प्रतिष्ठा देता है। यह माना जाए कि आप और जीवन जी मिलकर के सिवान को अब चमकाने का, तो हम कहाँ पीछे रहने वाले हैं, कभी पीछे नहीं रहेंगे। तो बोलिए दिए अपना सब चीज़ है पूरे मुस्तैद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष और बिहारी चौधरी से बातचीत हो रही थी और ये अब पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। आज यहाँ पर पहुँचे थे कार्यालय के उद्घाटन में, जो कि नगर सभापति के कार्यालय का उद्घाटन था, इन्होंने फीता काट कर किया। हमारे सहयोगी आशीष के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना के डॉक्टर पहली बार छपरा में, धड़कन क्लिनिक छपरा में डॉक्टर हिमांशु द्वारा हृदय, डायबिटीज, किडनी, लीवर, थायराइड, मोटापा का संपूर्ण इलाज किया जाता है। धड़कन क्लिनिक में प्रत्येक बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार को जांच होता है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वाल्व बदलना, हृदय में छेद, बाईपास सर्जरी बिहार सरकार के अनुदान से कराने में सहयोग किया जाता है। हमारा पता है मंत्री जितेंद्र राय आवास, म्युनिसिपल चौक, छपरा।
अब दाद, खाज, खुजली एवं दिनाए का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबुजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा बेहतर इलाज। तील, मासा, इला हटाना, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, बाल प्रत्यारोपण, अनचाहे चेहरे का बाल लेजर से हटाना, चेहरे के गड्ढे को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबुजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक सिसवन ढाला के पास सिवान। मोबाइल नंबर है 7970864200। दूसरा नंबर है 7541900596। शादी विवाह या अन्य किसी भी शुभ अवसरों के लिए खुल गया सबसे अलग सबसे खास तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस लाल कोठी के पास बबुनिया रोड सिवान। इंगेजमेंट, शादी विवाह या अन्य किसी भी फंक्शन पर आपके इंतजार में सज धज कर तैयार। आज ही बुकिंग करें तुलसी वाटिका मैरिज हॉल। कैटरिंग सर्विस लाल कोठी के पास बबुनिया रोड सिवान। कॉल करें 9155449900। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8651222111।